नमस्कार वेलकम टू विद ब्रह्मा कुमारी तो सिस्टर शिवानी हमारे साथ हैं नमस्कार एंड वेलकम। ओम शांति। ओम ओम शांति शांति सिस्टर ढेर सारे हमारे पास सवाल आए हैं ईमेल्स आए हैं मैं चाहूंगा कुछ पढ़ के आपसे बात करूं। ये पहले मैं एक शेयर करना चाहूंगा ये कहता है कि आई हैव ज्वाइंट आई टी कंपनी एज अ फ्रेशर फर्स्ट मंथ इट वॉज ओके इट वॉज माई ट्रेनिंग सेशन बट एज आई स्टार्टेड हैंडलिंग वर्क विद सिंसियरिटी एंड ऑनेस्टी आई एम क्रॉसिंग विद मेनी थिंग्स विच इज क्वाइट न्यू फॉर मी अब जो भी ये कहना ये चाहते हैं कि जो आज बंदा सिंसियर है और प्रोफेशन को बड़े प्यार से करना चाहता है उसे बहुत दिक्कतें आ रही है तकलीफें आ रही हैं और ये कहते हैं कि यहाँ कुछ प्रोफेशनलिज्म नहीं है बट यहाँ पॉलिटिक्स है डिसऑनेस्टी है गॉसिप होती है मेरे पीछे लोग कुछ बोलते हैं और कहता है कि लोग अचानक बदले बदले नजर आते कल कुछ थे आज कुछ हैं मतलब बहुत कन्फ्यूज हूं मैं और जो मैं मेहनत करके अपना काम करता हूँ दूसरे लोग कहते हैं कि हमने किया और उसका क्रेडिट भी ले जाते हैं कहते हैं कभी कभी मैं ठीक समझता हूँ बट फिर बाद में मैं दुखी हो जाता तो हूँ डिप्रेशन में आ जाता हूँ और गुस्से में भी आता है स्ट्रेस भी होता है इरिटेशन भी होता है और आगे इन्होंने लास्ट में कहा है आई जस्ट वॉन्ट टू नो हाउ टू रेस्पॉन्ड एंड रिएक्ट एंड बिहेव इन दीज अकॉर्डिंग टू देम इफ यू आर नॉट लाइंग देन यू आर नॉट एट ऑल स्मार्ट झूठे नहीं बोल सकते तो आप बेवकूफ है आप hmm. स्मार्ट नहीं है तो स्मार्ट बनू क्या करूं बट आई रियली डोंट नो वॉट टू डू वॉट टू बिकम मे आई बिकम लाइक दै प्लीज हेल्प हाउ टू डिटैच माई सेल्फ फ्रॉम ऑल दिस अब इनकी तकलीफें ये है ये चाहते हैं कि भाई मैं भी उन जैसा बनूं या नहीं बनूं। मेरे ख्याल से तो बन भी नहीं चाहे बन भी नहीं सकते नॉट uh, ने कई बार हम बन जाते हैं संस्कार है ना मुश्किल है संस्कार है नो no. संस्कार कैसे बनता है कोई भी चीज हम एक बार दो बार दस बार बीस बार कर लिया तो वेरी सुन वो मेरी प्रोग्रामिंग का एक हिस्सा बनना शुरू हो जाता है सपोज आत्मा एक संस्कार लेकर आई है ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी का hmm. है ना और वो मेजोरिटी का संस्कार होगा इनिशियली क्योंकि वो आत्मा का ओरिजिनल संस्कार है सो मोस्ट ऑफ अस विल फाइंड एंड वी लाइक ऑनेस्टी हमें ऑनेस्टी अच्छी लगती है सत्यता सफाई क्लेंडलीनेस वो ही प्योरिटी है ये प्योरिटी है जहाँ मन एकदम चित मन साफ है कहीं कुछ खेलना नहीं पड़ रहा छुपाना नहीं पड़ रहा यो क्लीन तो वो हर एक को अच्छा लगता है लेकिन चलते चलते जैसे इन्होंने लिखा आसपास के लोग वो वाले तरीके से नहीं चल रहे हैं तो फिर अब मेरे पास दो चॉइसेस होती है या अपने तरह से जीवन जीना या फिर वैसे बन जाना जैसे बाकी सब है और आसपास के लोग ज्यादातर यही राय देंगे दिस इज वॉट इट इज बचपन से सुनते हैं बचपन से सुनते आए हैं तो लड़ो यानी हाँ, जोर चोर बन जाओ रोमे माइन आउट हो जाए राइट एंड जैसे इन्होंने लिखा अभी ये न्यू ज्वाइन किया है तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ इतने लोग है सालों से है और वो एक पोजिशन पर पहुंच गए हैं एंड अब आप एक फ्रेशर है आपको भी आगे जाना है यू हैव टू बी विद नेम एंड ऑल्सो ग्रो तो ऐसे समय पर अगर आप स्टैंड आउट कर जाते हैं कि आपका काम करने का तरीका एक और मेजोरिटी का वी वल नॉट से सब का लेकिन मेजॉरिटी का अगर काम करने का तरीका दूसरा तो बहुत लोगों को आज ये लगेगा कि दिस इज वेरी डिफिकल्ट अगर सब लोग झूठ यूज कर रहे हैं पॉलिटिक्स यूज कर रहे हैं पॉलिटिक्स मीन्स किसी को नीचे गिरा देना किसी की बात जाकर गलत कुछ बोल देना या कोई भी, भी कह रहे हैं जो मैं अच्छे काम करता लोग कहते मैंने किया क्रेडिट लेना वेरी कॉमन ना इसमें से कोई भी बात जो उन्होंने लिखी कि लाइज पॉलिटिक्स या टेकिंग क्रेडिट फॉर एल्स फॉरवर्ड डन ये तो हर जगह देख रहे लोग कल एक थे नेक्स्ट डे वही बंदा आज ये कह क्या यस क्योंकि इंटेग्रिटी नहीं है ना ये मेरे ख्याल से जो आपकी मैं इतने इंटरव्यूज में बातचीत करते करते मुझे लगता है कि आत्मा कमजोर हो जाती है ना हमें आगे जाना है इंटेग्रिटी जब नहीं रहती है मतलब वीक हो हो गई ना बेसिकली मीन्स आई एम रेडी टू कॉम्प्रोमाइज वेरी इजिली अपने वैल्यूज और प्रिंसिपल्स पे हम हर रोज कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी है अब जो उन्होंने लिखा आज एक कल दूसरे दिखेंगे तो वो क्यों होगा अगर चार लोग हैं सपोज मैं आपसे मिलू आज एंड आपसे कुछ बात करूं इनके बारे में उनके बारे में एंड कल मुझे वो ही सामने दिखे तो मैं एकदम से कुछ और बात करूं क्योंकि ऑनेस्टी नहीं है इंटेग्रिटी नहीं है सोच कुछ और है बोल कुछ और है और मोस्ट इंपॉर्टेंट लक्ष्य क्या है दूसरों को खुश करना है भले पीछे से कुछ भी बोले कुछ भी बोले मेरा लक्ष्य क्या है सामने मिले दो खुश, करना। खुश करना है अभी हमें अगर इस सिचुएशन में हम हैं इसके अंदर भी एक पॉइंट मैं क्लियर करना चाहूंगा लोगों को झूठा झूठा खुश करना है सच्चाई में दिल से मतलब खुश की बात नहीं है ऑफिस में जब आप काम कर रहे हैं जो इनकी सिचुएशन है आपकी हायरार्की में बहुत सारे लोग आपके सीनियर है एंड आपको प्लीज करना है सबको झूठा झूठा हो गया झूठा झूठ जूट ये झूठ मतलब है ये झूठ ही है वही कह रहा हर बार जब हम झूठ को यूज करेंगे वन थिंग वी हैव टू रिमेंबर वेरी क्लियरली व्हाई वी आर वीक टुडे हर आत्मा आज कमजोर है कितनी कमजोर है वो वेरी करेगा पर्सन टू पर्सन लेकिन क्यों? जब हम कहते हैं गुस्सा आ रहा है इरिटेशन हो रही है हर्ट हो रहा है फियर ये सब एक कमजोर आत्मा की निशानी है ये आत्मा कमजोर हुई कैसे जितनी बार हम झूठ बोलेंगे मतलब मैं जो सोच रही हूं वो बोलने की मेरे अंदर हिम्मत नहीं। ताकत नहीं है जितनी बार मैं वो करूंगी मैं अपनी शक्ति को कम करूंगी आज आप देखो कि खुश करने के लिए प्लीज करने के लिए कितना मीठा 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 बोला जाता है अब जितना मीठा बाहर बोल रहे हैं उतना ही कड़वा कई बार अंदर सोच होती है इट्स इट्स बिकमिंग अ कंप्लीटली आई मीन आई कैन हेट यू इन साइड आई कैन से जस्ट डोंट लाइक दिस पर्सन एट ऑल इतनी नफरत अंदर आपके काम करने का तरीका अच्छा नहीं लगता आप एज अ पर्सन आप अच्छे सब कुछ एक एक्सट्रीम सोच अंदर लेकिन बाहर से प्यार से बात करना और मीठा बात करना प्यार से बात करना इस फिर भी ठीक लेकिन मीठा आपको प्रेस करना अंदर सोचना कि जो आप कर रहे हैं वो कंप्लीटली गलत मीठा बोलना कि नहीं जो आप कर रहे हैं वो तो बहुत अच्छा है व्हाट एम आई डूइंग विद माय सेल्फ मैं अपने आप के साथ क्या कर रही हूं सोचती कुछ और हूं बोलती कुछ और हूं अब जब मैं सोचूंगी कुछ, कुछ, कुछ और बोलूंगी कुछ और कैन आई ट्रस्ट माय सेल्फ सोचूंगी कुछ और बोलूंगी कुछ और तो मैं जब जा, जानता हूँ कि मैं जानबूझ के कर रहा हूँ जानबूझ के कर रहा हूँ तो फिर उसमें ट्रस्ट का क्या मतलब सपोज हम आजकल लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं आज पातेजोरिटी लोग कहेंगे ट्रस्ट इज वेरी डिफिकल्ट खुद डिफिकल्टे क्यों नहीं करेंगे दूसरे को मैं जोर बोलता हूँ पहले दूसरों का देखते हैं फिर अपना देखना बहुत ईजी हो जाएगा आज हम लोगों पर ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं वो अगर अपने साथ नहीं करेंगे तो किसी और के साथ करना बहुत डिफिकल्ट है मतलब हम अपने को ट्रस्ट नहीं करते हैं? जब तक हम अपने को नहीं करेंगे हम किसी और को नहीं कर सकते जैसे Give जब तक example, हम अपने जब तक, तक हम करने का मतलब... अपने से प्यार नहीं करते दूसरों से नहीं कर सकते हाँ. जब तक हम अपने को अप्रिशिएट नहीं करते हम दूसरों को नहीं कर सकते तो मुझे एक एग्जाम्पल दीजिए बहन की वट इज मीनिंग ऑफ खुद को ट्रस्ट करना सपोज आज आप आकर मुझे कुछ कहें सपोज अप्रिशिएट करें कोई चीज के लिए मेरा मन एक थॉट क्रिएट करता है सच्चे में ऐसा फील करते हैं या ऊपर ऊपर से बोल रहे हैं ये थॉट मेरा माइंड क्रिएट करता ही कैसे है ये डाउट क्यों आता है मुझे आपकी बोल को क्योंकि वो क्वालिटी है वो मेरे अंदर है क्योंकि इट्स लाइक like जो मेरा संस्कार होगा मैं सामने वाले को तो वैसे ही देखूंगी ना जिसके अंदर डाउट करने का संस्कार होता है वो सभी पे डाउट करेगा लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट वो क्यों डाउट करेगा क्योंकि वो खुद उसका अपना जीवन जीने का तरीका है जिसके अंदर सच्चाई सफाई होगी कि जो वो सोचेंगे वो बोलेंगे वो दूसरों के बोल को भी ऐसे ही स्वीकार करेंगे ये समझ में आई बात हाँ बट मैं अपने को ट्रस्ट करता हूं या नहीं करता हूँ ये मैं क्लियर नहीं होता अगर मुझे ये पता है कि आप सोचते कुछ और हैं बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं कैन आई ट्रस्ट यू आई विल से हम ah, किसी के लिए सपोज ah, हमारे यहाँ स्टाफ है कोई भी बच्चा है कोई भी हम हाँ, पास है, जिसको तो हम ट्रस्ट right. कर ही नहीं सकते। हाँ जी हाँ जी आप फिक्र मत करो मालूम है ना आई क्रिएट अ थॉट आई से वर्ड आई डू एन एक्शन जब सोच बोल कर्म हारमोनी में नहीं होंगे नहीं। तो हम कहेंगे हम इसको ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं ये सोचते सोच तो खैर हमें पता ही नहीं होती नहीं। हम तो इस लेवल पे देखते हैं कि ये बोलते कुछ और हैं करते कुछ और है बोलते हम कर देंगे करते नहीं है बोलते है आपका मैं ये काम मैंने कर... एक स्टाफ के मेंबर को देखा हमेशा ये हमेशा यही बोलता है लेकिन नहीं करता है तो क्या जरूरी है कि मेरे अंदर भी वो क्वालिटी हो नहीं नहीं वो जरूरी नहीं है एक्सपीरियंस से जाना वो जरूरी नहीं है कि अफिर? आपके अंदर वो क्वालिटी हो लेकिन अगर आपके अंदर वो क्वालिटी है तो फिर आप औरों को उस दृष्टिकोण से देखेंगे सपोज आपके अंदर ये क्वालिटी है देखो बोल और कर्म तो फिर भी दिखाई देता है बोल और कर आज वाई ट्रस्ट इज बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट अगर मैं अपने रूम में पैसे रखा खुले और नौकर जाने के टाइम पे मैं टेंशन ले रहा हूँ कि वो हाथ ना लगाए ये ना लगाए ये फियर है या ये चोरी के अंदर संस्कार है मेरे खुद के या मैं उसको चोर मान रहा हूँ ये आपके अंदर संस्कार नहीं है ये फियर है और उसके ऊपर डाउट है एंड ये डाउट करने का नेचर तो नहीं है ना बोल क्या पड़ा हुआ है तो डाउट है डाउट पास्ट एक्सपीरियंस बता रहा है कि मैंने कई बार चोरी That's हो चुका all. है पास्ट एक्सपीरियंस हमने पहले भी देखा था कि थॉट्स किस बेसिस पे क्रिएट होते हैं इन्फॉर्मेशन पास्ट एक्सपीरियंस बिलीफ सिस्टम तो यहां से संस्कार भी बन जाते इन्फॉर्मेशन पास्ट एक्सपीरियंस बिलीफ सिस्टम से थॉट क्रिएट होगा huh? और जो थॉट बार बार क्रिएट होगा oh वो हमारा संस्कार बन जाएगा इक्वेशन है ना सी इट्स लाइक अ प्रोसेस जैसे एक प्लांट होता एक है एक फैक्ट्री है एक प्रोसेस है ना प्लांट का रॉ मटेरियल आपने जो डाला अंदर डायनामिक्स ये बनी हुई है फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्ट ये निकलेगा ये चेंज नहीं होगी ये फैक्ट्री चेंज नहीं होगी आप इसको नहीं चेंज कर सकते रॉ मटेरियल क्या है इन्फॉर्मेशन पास्ट एक्सपीरियंस बिलीफ सिस्टम प्रोसेस क्या है थॉट थॉट फीलिंग एटीट्यूड एक्शन हैबिट पर्सनालिटी, डेस्टिनी ये प्लांट हमेशा फिक्स्ड है और ये प्लांट हमेशा क्लियर होना चाहिए अपने अंदर ये अंदर की फैक्ट्री है एक बार इंफॉर्मेशन गई एटीट्यूड बन जाता है नहीं थॉट फीलिंग एटीट्यूड अच्छा तो जैसे और फिर कर जो एक्शन बार बार तो वो, वो हैबिट जो करेंगे वो हम बरेंगे। वो हम फिर habit बन गई पर्सनालिटी पर्सनालिटी जैसी होगी वैसी डेस्टिनी स्टार्ट हुआ इंफॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन पास्ट एक्सपीरियंस बिलीफ सिस्टम कितना इंपॉर्टेंट है ये लाइन रात जो पूरी लाइन है ये फैक्ट्री के ये याद रखना कितना इंपॉर्टेंट है अभी कोई तो मजबूर है जैसे हम मेरे फादर की दुकान थी उनकी डेथ हो गई क्वेश्चन क्या है तो तो कि तो हम किन लोगों के बीच है घिरे हाँ, हुए हाँ हम उन लोगों के बीच तो ये पूछ रहे हैं कि मैं इनसे डिटेच कैसे रहूं अब दो ऑप्शन है इन लोगों के बीच रह के इन जैसा बन जाऊ या इन लोगों के बीच रह कर अपनी स्ट्रेंथ को कायम रखते हुए इन जैसा कर्म नहीं करूं। वो भी बहुत सारे लोग हमें मिलेंगे ना हर फील्ड में You're आप right. कोई भी प्रोफेशन ले लो कोई कहता जैसे नहीं मैंने अपने फादर की दुकान को मना करके एसिड भाई इन चोरों में इन बिस बिस में नहीं रह सकता मैं चला बंबई भले पैसे होने हो किस पर देखेंगे अब मैं वो, छोड़ दिया। वो था चेंज ऑफ प्रोफेशन प्रोफेशन नहीं वो जगह से थक गया था हाँ, तो चेंज ऑफ प्रोफेशन क्या ना एक प्लेस प्रोफेशन एवरी कुछ भी एक होता है चेंज ऑफ प्लेस प्रोफेशन एक है रिमेनिंग इन दैट प्लेस बट स्टिकिंग टू माय प्रिंसिपल्स वो भी आप करेंगे अब आपने एक प्रोफेशन छोड़ा दूसरे में आए लेकिन दूसरे के भी तो अपने चैलेंजेस है ना दूसरे प्रोफेशन में मैं जब मैं आया यहां भी सिमिलर थी थी हाँ। तो मेन तो अभी ये मेन इम्पोर्टेंट ये है ये जो आपने लाइन बोली करी यहाँ भी सिमिलर चीजें लेकिन थी। आपने कहा कि संस्कार इजीली बदल जाता है मैंने मेरा तो नहीं बदला साफ बात करने का डिपेंड्स ऑन हाउ यू टेक इट अगर जैसे इन्होंने कहा जब आप अपने संस्कार ओरिजिनल संस्कार पे डटे रहेंगे लेकिन अगर मेजोरिटी एक अलग तरह से काम कर रहे हैं आपको इनिशियली या मे बी फॉर अ लाइफ टाइम आपको एक थोड़ा सा हर्डल कहे या ऑब्स्टिकल कहे वो आएंगे बिकॉज यू आर नॉट पार्ट हर्डल तो ये आता है कि आपके दोस्त कम हो जाते हैं हो सकता है हो हो सकता सकता है? है लोग पसंद भी नहीं करते हैं हो सकता है। बहुत सारे लोग नहीं करते एक दो कहते हैं हाँ। और जो पसंद भी करते बोलते यार तेरी क्वालिटी बड़ी अच्छी तो बड़ा साफ बात करता है लेकिन जो खास दोस्त बोलता है बोली तुम साफ बात करते हो मत किया करो सिर्फ एक है साफ बात करना एक है ऑनेस्ट होना हर प्रोफेशन में Honestly आप देख लो आज चाहे सिविल सर्विसेज है चाहे मेडिकल hmm. है चाहे पॉलिटिक्स है चाहे आपकी फिल्म इंडस्ट्री है चाहे एक नॉर्मल कंपनी है वी से इस प्रोफेशन में बहुत ऐसा ऐसा नहीं है इट्स एवरीवेयर व्हाई इज इट एवरीवेयर बिकॉज आत्माए प्रोफेशन में कोई भी चली जाए संस्कार जाएगा ना अगर मेरे अंदर आज डिसनेस्टी right. का संस्कार है मैं ये प्रोफेशन में हूँ मेरे मेरे घर भी आएगा वो मेरा संस्कार है प्रॉब्लम you know, the वहां है प्रॉब्लम वहां नहीं है प्रॉब्लम यहाँ है यहाँ भी है वहां भी है ना नहीं दूसरे बंदे में क्यों अब इसमें हम क्या करें? हैं वही जो मुझे यहाँ भी हुए इंसान तो वहां भी ऐसे था भी था एग्जैक्टली तो इसका मतलब चेंज ऑफ प्लेस इज नॉट नेसेसरी प्लेस प्रोफेशन इज नॉट अभी क्या होता है आजकल कई बार हम क्योंकि हम नहीं सेट हो पाते हम चेंज करते जा रहे हैं बहुत जल्दी यहाँ तक कि सिर्फ प्रोफेशन नहीं चेंज करते कंपनी नहीं चेंज करते हम अपने पार्टनर चेंज करते हैं हम अपने फ्रेंड्स चेंज करते हैं आई डोंट गेट अलोंग विद दिस पर्सन आई डोंट गेट अलोंग विद दिस पर्सन बी टू अंडरस्टैंड जिसके साथ भी हम काम करेंगे या जिसके साथ भी हम रहेंगे या जिसके साथ भी हम दे देर संस्कार नॉट अबाउट चेंजिंग पीपल यू नो मतलब नॉट विद दिस पर्सन नाउ दिस पर्सन नॉट विद दिस कंपनी नाउ दिस कंपनी दिस विल नॉट वर्क अब मैं इस हाँ तो यही हो रहा है ना वे चेंजिंग <laughs> क्योंकि हमें वो वाले संस्कार कंफर्टेबल नहीं लग रहे लेकिन If unless I develop the ability to adjust, to मोल्ड and most important and yet stick to my values and principles, I will keep changing. मैं ऑर्गेनाइजेशन पे ऑर्गेनाइजेशन पे ऑर्गेनाइजेशन चेंज करती रहू यहाँ कल्चर ठीक नहीं है यहाँ बॉस ठीक नहीं है यहाँ लोग ठीक नहीं है यहाँ काम करने का तरीका ठीक नहीं है एक्सट्रीम केस ओके चेंज लेकिन जल्दी जल्दी, जल्दी चेंज ये भी एक संस्कार बन गया आज

काम तो पहले भी करते थे काम आज भी करते हैं पहले समय पर दस साल बीस साल पहले भी कहते थे मेरी कंपनी है यहां मैंने काम किया है इतने सालों से इसको तीस मैंने तीस साल करते हाँ, थे। इसको मैंने इतने सालों से देखा है इसको बड़े होते हुए ये तो मेरे बच्चे की तरह है ये ऑर्गेनाइजेशन तो उसके लिए क्या फीलिंग है बॉन्डिंग जहां बॉन्डिंग होगी वहां कैसी वाइब्रेशन क्रिएट होगी आपको वहां काम करने में आपकी एक एक थॉट जो क्रिएट होगी इट्स विद लव केयर एंड पैशन सो यू इंजॉय अब ये लव केयर एंड पैशन क्रिएट करके आप सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को नहीं देते आप अपने आप को देते हैं सो so बेसिकली उस होते हुए उस जगह पर आप खुशी क्रिएट कर रहे हैं सारा दिन ये ऑर्गेनाइजेशन को नहीं देते अपने आप को देते हैं थोड़ा सा इस बात को समझाएंगे इफ दिस प्लेस इज देयर एंड मुझे यहाँ आके रोज अच्छा लगे Say, This place is mine. मैं से मुझे करने में अच्छा लगता है इस जगह को मैंने देखा है ये एक थॉट मुझे कैसा फील कराती लेकिन फिर भी आप मालिक नहीं है ना तो भी ना बट मेरी बिलोंगिंगनेस है ना बिलोंगिंगनेस टू तो अ प्लेस इतना उसकी भी रेस्पेक्ट करना चाहिए ना इस क्वालिटी की नहीं उस क्वालिटी के अपने अब मैं मेरे स्टाफ है yes. जो मैं किसी को डांट भी देता हूँ तो उनसे दूसरे ड्राइवर पूछते हैं साहब तुमको इतना जोर से बोला तो मैं नौकरी कैसे करता है बोला साहब हजार कम भी देंगे तो हम यहाँ देते हैं लेकिन फिर मेरी ड्यूटी क्या है मैं भी रसी प्रोकेट करूँ ना वो है वही करता रहूंगा क्या उसकी क्वालिटी की भी तो इज्जत मुझे को लीडर की बात लेकिन कई बार जरूरी नहीं है वो मिलेगा कई बार जरूरी नहीं है अगेन हाउ मच टू एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर पीपल अगर मैंने अपनी फुल इंटेग्रिटी ऑनेस्टी से कहीं काम किया अपना सब कुछ उसको दिया अपना दिन रात दे दिया विच इज़ ऑल्सो कंप्लेंट ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल हमने इतना दिया इतना दिया एक पैसा हमने यहाँ से वहाँ नहीं होने दिया इस ऑफिस के अंदर लेकिन नॉट uh, नेसेसरी कि जो आपका लीडर है उस चीज को अप्रिशिएट करे रिस्पेक्ट करे और रेसिप्रोकेट करे

उसकी माँ को जैसे तकलीफ थी सारी जीवन में अभी ये तो माँ बेटा है जब यहां वो इंटेग्रिटी हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते तो एक ऑफिस के अंदर इसीलिए कुछ भी चीज अब अब के समय पर, समय पर जब बदलता है साथ साथ अपनी प्रोग्रामिंग को भी थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत होती है इट्स लाइक यू नो अपग्रेडिंग योर सिस्टम यू हैव टू अपग्रेड द सिस्टम एक समय था कि जब आप जो करते हैं किसी के लिए या ऑर्गेनाइजेशन के लिए या बच्चे के लिए या फैमिली के लिए आपको वहां से उसका सेंस था। था। अब, अब, अब लोगों के बिलीफ सिस्टम चेंज हो गए बट ये जो नई बिलीफ सिस्टम और नए लोगों की क्वालिटीज है वो बहुत डिस्टर्बिंग है क्योंकि जब हम छोटे थे हम बड़े बड़े पुराने बैंक होते थे बल बैंक ये सब बैंक पुराने बीस बीस साल से वो अकाउंटेंट वहीं मिलता था उसको मालूम था हमको न बातचीत वही बात मैनेजर वही वो, वो समझदार था कि भाई ये कल दे देगा आज यहाँ बॉम्बे में आया जब से रोज़ बैंक के मैनेजर बदल जाते हैं रोज कोई ना कोई नया आ जाता है मैंने बोला ज द मीनिंग ऑफ रिलेशनशिप मैनेजर ये जो रिलेशनशिप आप जो आप बोल रहे हाँ, होनेजर बदलता है ढूंढना तो so, so का है ना लाइफ में ये कारण है इवन अ स्मॉल थिंग लाइक गोइंग टू अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस बिफोर हाँ घर लगता था घर लगता था क्योंकि हर एक यूनिट एक फैमिली यूनिट था हर यूनिट आप जहां जाते थे प्यार से मिलना प्यार से बात करना एक हारमोनियम एक कनेक्टिविटी एक हाँ। हाँ। अच्छा हाँ? बॉन्डिंग है ये बॉन्डिंग है ये बॉन्डिंग हर जगह हमें मिल रही थी जहां आत्मा को बॉन्डिंग मिलेगी और वो एक यू नो क्रिएशन ऑफ थॉट्स ऑफ गुड एनर्जी दोनों तरफ से होगी हम बहुत खुश थे Professions वो वही वाले कर रहे थे परिवार भी हमारे उल्टा तब ज्यादा बड़े थे जिन्हें हमें संभालना पड़ता था आज तो छोटे छोटे परिवार को संभालना है सिर्फ बड़ी बड़ी फैमिली पांच पांच छे छह आठ आठ बच्चे क्यों स्ट्रेस नहीं था तब हम ज्यादा कुछ कर रहे थे नो लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग हम आज ज्यादा कर रहे हैं हम तब ज्यादा कर रहे थे स्ट्रेस नहीं था फिजिकल ज्यादा कर रहे थे आज तो सब कुछ रेडीमेड मिल जाता है किचन में क्या गैजेट्स थे हमारे पास टेक्नोलॉजी हमारे पास क्या थी कुछ नहीं बट वी हैप्पी। बिकॉज ऑफ दिस वन रीज़न जो आपने कहा ना परिवार हर जगह परिवार की भासना वो बॉन्डिंग अब नहीं है अब परिवार में भी बॉन्डिंग नहीं है तो कहीं और बॉन्डिंग नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हर जगह अब क्यों हुआ वन चेंज ऑफ बिलीफ सिस्टम पहले जो बिलीफ सिस्टम था वो कोऑपरेशन का था एक दूसरे को सहयोग देना अब जो बिलीफ सिस्टम है वो कॉम्पिटिशन का है ऑपोजिट अब सहयोग नहीं देना अब कंपीट करना. करना जब सहयोग दे रहे थे एक दूसरे को आगे बढ़ा रहे थे जब कंपीट कर रहे हैं एक दूसरे को पीछे कर रहे हैं एनर्जी कौन सी क्रिएट होगी जब सहयोग दे रहे थे तो दुआएं इकट्ठी कर रहे थे जब कंपीट करके पीछे खींचेंगे तो कौन सी एनर्जी इकट्ठी करेंगे ऑपोजिट ऑपोजिट अब जब सहयोग दे रहे थे दुआएं इकट्ठी कर रहे थे तो आत्मा सारा दिन क्या होती जा रही थी चार्ज हो रही थी जब कंपीट कर रहे हैं एक दूसरे को गिरा रहे हैं पॉलिटिक्स है ऑफिस पॉलिटिक्स मींस एक दूसरे को गिरा रहे हैं तो कौन सी एनर्जी मिल रही है और आत्मा सारा दिन क्या हो रहे हैं ये ऐसे ही नहीं सोल पावर कम हुई है बात करते करते, करते एक आया था कि जैसे आपने कहा कि आत्मा वीक हो जाती है, एनर्जी डिप्लीट हो जाती है तो मुझे लगता है कि शाम तक आदमी कभी कुछ नहीं करे तब भी फिजिकली भी थक जाते हैं तो सिर्फ आत्मा डिप्लीट होती है और ऐसी एनर्जी से आदमी वैसे थक भी जाता है ना फिजिकली भी ट्वेंटी ईयर्स पहले हम फिजिकल बहुत मेहनत करते थे हुँ? ना हमारे पास एसी थे हर जगह ना हमारे पास इतनी अच्छी कार कभी थी कभी पंखा भी नहीं चलता था कभी कभी पंखा भी नहीं चलता थी। था ओके okay. और डेफिनेटली उस तरह के गैजेट्स और यू नो ये सब चीजें जो आज हमारे को कंफर्ट देती है फिर ये नहीं थी फिर भी हम खुश थे क्यों एवरी थॉट हैज एन इफेक्ट ऑन एवरी सेल ऑफ द बॉडी तो जब हर थॉट बॉडी पर इफेक्ट कर रहा है तो फिजिकली आप बॉडी को ज्यादा यूज कर रहे हैं लेकिन बॉडी के अंदर कैपेसिटी है फिजिकल उतना काम करने की मन खुश था मन खुश था मूड अच्छा था एनर्जी प्यार और सहयोग की थी तो बॉडी भी क्या करती थी आप बॉडी को कौन सी वाइब्रेशन दे रहे हैं सारा दिन तो बॉडी भी अच्छी चलती थी आज सब कुछ आराम से है आज हम फिजिकली कुछ बहुत ज्यादा काम नहीं कर रहे हैं गाड़ी में बैठे ऑफिस तक गए ऑफिस में भी पूरा कंफर्टेबल एसी है एक कुर्सी पर बैठे रहे सब कुछ तो कंप्यूटर पर हो जा रहा है हम फिजिकल तो नहीं बहुत ज्यादा अपने आप को यूज कर रहे हैं उठ के चाय भी नहीं लेकिन हर थॉट हर थॉट किस क्वालिटी की है जब ऐसी हर थॉट बॉडी पर इफेक्ट डालती है तो फिर बॉडी भी अब क्या करेगी तो जब शाम तक तो हम स्ट्रेस की वजह से भी होता है ये स्ट्रेस की वजह से ही होता है सोल पावर डिप्लीट अगर होगी तो फिजिकल पावर डिप्लीट होगी ये बिल्कुल सही कह रहे हैं सोल पावर डिप्लीट होगी फिजिकल पावर डिप्लीट होगी बीमारियां भी लगेंगी सोल पावर डिप्लीट सोल पावर जब डिप्लीट होती है फिजिकल की और सहन शक्ति भी कम हो जाती, हो जाती है चिड़चिड़ भी आप जल्दी हो 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 जाती सोल सोल पावर डिप्लीट हर ना? तरफ से वीकनेस गई सी मेनी पीपल राइट टू अस मेरे अंदर फियर है उसको कैसे ठीक करूं मेरे अंदर ये एक एक बीमारी नहीं ठीक हो सकती है अच्छा इट्स इट्स वन सी इट्स लाइक शरीर एक पैकेज है कोई कहे मेरे को ये हो जाता है कभी मुझे ये हो जाता है कभी मुझे ये हो जाता है hmm. तो डॉक्टर क्या कहेगा अपने ओवरऑल सिस्टम को ठीक करो ना सिस्टम को ठीक करो मतलब अपने इम्यूनिटी पावर okay. को ठीक करो रोज एक एक बीमारी रोज एक वायरल एक ये एक बिकॉज यू आर फिजिकली वीक

अब जो मेडिसिन वाली टेक्निक आई वो क्या कहती है अच्छा ये बीमारी ये दवाई खाओ ठीक हो जाएगा ये दवाई खाओ ठीक उसको मैनेज करना हमें चला रहे हैं ब्रह्मा कुमारी प्रत्येक सेवा केंद्र आरोप राजयोग मेडिटेशन निशुल्क सिखाया जाता है ये कोर्स सात दिन प्रतिदिन एक घंटे का है भारत में बड़े शहरों से लेकर छोटे छोटे गांवों में हमारे आठ हजार से अधिक सेवा केंद्र हैं। राजयोग सीखने के लिए और अपने नजदीकी सेवा केंद्र का पता जानने के लिए संपर्क करें